ओके फ्रेंड्स टुडे आई एम गोइंग टू यू द सी सी एन ए ब्रेन टेस्ट अभी सी सी एन ए ब्रेन टेस्ट क्वेश्चन पेपर देने जा रहा हूँ मैं इस पेपर में आपको पैकेट पैकेटेशसर के मदद से आपको इस पैकेटर को इस लैब को सोल्व करना है ओके सो दिस इज़ फॉर सी सी एन ए स्टूडेंट नेटवर्किंग स्टूडेंट हुई इज ऑल्सो प्रिपेयरिंग फॉर नेटवर्क सिक्योरिटी और साइबर सिक्योरिटी उनके लिए है ये ब्रेन टेस्ट एग्जाम है नाउ इस एग्जाम में सबसे पहले आपको क्या करना है यू हैव टू यूज दिस सबनेट वन सेवेंटी टू पॉइंट सिक्सटी पॉइंट जीरो पॉइंट जीरो स्लेश ट्वेंटी फोर टू सोल्व दिस लैब यूजिंग दिस अबव सबनेट आपको इस सबनेट को यूज करके पूरे इस नेटवर्क को पूरे इस लैब को सोल्व करना है यानी इसमें आप क्लासफुल नेटवर्क नहीं ले सकते ये नेटवर्क लेना है सबनेटिंग वाला नेटवर्क लेना है आपको राउटर्स एंड स्विचेज इसमें कितने राउटर्स कितने स्विच होंगे लेट मीड एक्सप्लेन यू देर आर टोटल फाइव राउटर्स इन दिस लैब इस स्लैब में टोटल फाइव राउटर्स होंगे कौन कौन से आर वन आर टू आर थ्री आर फोर एंड आर फाइव ठीक है नाव इन दिस स्लैब देर आर टोटल फाइव स्विचेज टोटल फाइव स्विच होंगे इस लैब के अंदर कौन कौन से एस वन एस टू एस थ्री एस फोर एंड एस फाइव ऑल दिज आर स्विच ओके देन फाइव राउटर्स एंड फाइव स्विच यू नो द नेम अब दिज राउटर्स एंड स्विच आपको नाम पता चल गया होगा राउटर्स का और स्विच का पाँच राउटर पाँच स्विच कैसे कनेक्टेड होगा नाव सी दिस आर वन कनेक्टेड टू आर टू एंड एस वन आर वन जो होगा राउटर वो कनेक्ट होगा आर टू से और स्विच एस वन से उसी तरह से आर टू कनेक्टेड टू आर वन आर फाइव एंड एस टू आर टू राउटर कनेक्ट होगा आर वन राउटर से भी और आर फाइव राउटर से भी और स्विच एस टू से भी ओके सिमिलरली आर थ्री इज कनेक्टेड टू आर फाइव आर फो आर आर फाइव आर फोर एंड एस थ्री जो आर थ्री राउटर है किससे किससे कनेक्टेड होगा आर फाइव राउटर से आर राउटर से एंड एस थ्री स्विच से सिमिलरली गो टू आर फोर कनेक्टेड टू आर थ्री एंड एस फोर जो आर फोर राउटर होगा वो आर थ्री राउटर से कनेक्ट होगा और एक एस फोर स्विच से कनेक्ट होगा आर फाइव राउटर कनेक्ट होगा आर टू एंड आर थ्री राउटर से एंड एस फाइव स्विच से तो आपको प्रॉपरली ये डायग्राम देख कर डायग्राम बना लेना है ओके आफ्टर दैट कम टू द सर्व इसमें कितने सर्वर हमने इस्तेमाल किए हैं वी हैव यूज टोटल टेन सर्वर इन दिस लैब इस लैब में इस प्रोजेक्ट लैब में हमने टोटल दस यूज़ किए हुए हैं कौन कौन से हॉटमेल डॉट कॉम विच इज ऑब्वियसली ए मेल सर्वर जी मेल डॉट कॉम विच इज ऑल्सो ए मेल सर्वर फेसबुक डॉट कॉम विच इज अ वेब सर्वर सिसलॉग सर्वर विच इज अ लॉग सर्वर तो ये चार सर्वर तो यहाँ हो गए जो हमने इस्तेमाल किए हॉटमेल जी मेल फेसबुक एंड सिस्लॉग इसके अलावा हमने कौन कौन से सर्वर इस्तेमाल किए हमने इस्तेमाल किए डी एन एस सर्वर जो कि एक नेम सर्वर है आपको पता होगा डोमिन नेम सर्विस इसको नाम देने के लिए यूज़ किया जाता है वी हैव यू डी एन एस सर्वर वी हैव एन टी पी सर्वर विच इज ए नेटवर्क टाइम प्रोटोकॉल विच इज एक्चुअली ए टाइम सर्वर जो कि टाइम देता है टेलनेट सर्वर इज ए रिमोट लॉग प्रोग्राम सिमिलरली एस एस एच सिक्योर सेल विच इज ऑल्सो ए रिमोट लॉग प्रोग्राम एफ टी पी सर्वर विच इज ऑल्सो नोर एज अ फाइल सर्वर टी एफ टी पी इज ऑल्सो एज ए फाइल सर्वर बोथ एफ टी पी एंड टी एफ टी पी यूज टू टेक बैकअप ऑफ राउटर एंड स्विचेज तो ये दोनों का बैकअप रिस्टोर के लिए इस्तेमाल होता है इसको हम लोग आगे कन्फिगर करेंगे तो ये सारे सर्वर भी हम लोग लेंगे नाउ राउटिंग नाउ टॉक अबाउट राउटिंग कौन कौन सी राउटिंग होगी विच राउटिंग वी हैव टू कन्फिगर वी हैव टू कन्फिगर स्टेटिक राउटिंग ऑब्वियसली स्टेटिक राउटिंग हम लोग कन्फिगर करेंगे बट नॉट ओनली स्टेटिक राउटिंग सिर्फ स्टेटिक राउटिंग कन्फिगर नहीं करेंगे वी आर ऑलसो गोइंग टू कन्फिगर ओ एस पी एफ राउटिंग एज अ बैकऑफ राउटिंग इन द केस स्टेटिक राउटिंग फिल्ड वी नड अनदर बैकअप दैट विल भी ओ एसपीएफ राउटिंग तो हम लोग ओएसपीफ राउटिंग भी कन्फिगर करेंगे रिमेंबर पॉइंट टू रिमेमर दैट ड्यूरिंग ओसपीएफ राउटिंग यू हैव टू यूज वाइल्ड कार्ड मार्स इन प्लेस ऑफ सबनेट मार्स तो ये याद रखना होगा क्योंकि सबनेटिंग किया हुआ है तो उसका सबमेट मास का जो आएगा उसका वाइल्ड कार्ड मास आपको निकालना होगा यहाँ पे ना लेट्स मूव टू द रिमोट लॉग प्रोग्राम सो वी हैव टू रिमोट लॉग प्रोग्राम पॉपुलर वन टेलनेट एंड एस रिमेंबर टेलनेट सर्वर इज कन्फिगर्ड ऑन राउटर आर फाइव आपको सिर्फ राउटर आर फाइव के ऊपर टेलनेट सर्वर को कन्फिगर करना है सिमिलरली एस 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 सर्वर इज कन्फिगर्ड ऑन राउटर आर थ्री एस एस सर्वर को सिर्फ राउटर आर थ्री पर कन्फिगर करना है इनेबल पासवर्ड अप्लाइड ऑन बोथ राउटर इनेबल पासवर्ड को दोनों राउटर पर अप्लाई करना है यानी राउटर आर थ्री एंड आर फाइव बोथ दोनों पे इनेबल पासवर्ड होना चाहिए ऑल राउटर्स टाइम अपडेटेड थ्रू एन सर्वर जितने भी हैं जितने भी राउटर्स हैं सबका टाइम अपडेट होगा एनटीपी सर्वर की मदद से नाउ टॉक अबाउट लॉक सर्वर टी सर्वर टीपी एफ सर्वर इनका क्या रोल होने वाला है इनको कैसे कन्फेयर करना है किसके साथ कनेक्ट करना है लेट्स सी आर राउटर लॉक फाइल्स विल बी क्रिएटेड ओवर सिस सर्वर जो आर फाइव राउटर है उसका जो लॉक फाइल बनेगा किस पे बनेगा सिस लॉक सर्वर बनेगा सिर्फ आर फाइव राउटर का ओके नॉट ऑन अदर राउटर उसी तरह से आर फाइव राउटर बैकअप विल बी टेकन ऑन टी एफ टी पी सर्वरवर जो फिर आर फाइव राउटर उसका जो कन्फिगेशन है उसका बैकअप आपको कहाँ लेना है टी एफ टी पी सर्वर के ऊपर लेना है टी एफ टी पी सर्वर के ऊपर बट आर थ्री राउटर जो है उसका बैकअप आपको लेना है एफ टी पी सर्वरव पर सिमिलरली गो टू द सर्वर कनेक्शन सर्वर कैसे कनेक्ट होंगे तो हॉटमेल डॉट कॉम कनेक्ट होगा स्विच एस फाइव से जी मेल डॉट कॉम कनेक्ट होगा स्विच एस थ्री से फेसबुक डॉट कॉम कनेक्ट होगा स्विच एस फाइव से सिक्स लोग सर्वर कनेक्ट होगा स्विच एस वन से एफ टी पी सर्वर कनेक्ट होगा स्विच एस वन से जैसा मैंने दिया वैसे ही आपको कनेक्शन करना है टी एफ सर्वर कनेक्ट होगा एस टू से टी एन एस सर्वर कनेक्ट होगा स्विच एस फोर से एन टी सर्वर कनेक्ट होगा स्विच एस फोर से एक पॉइंट नोटेड चीज़ है जितने भी यूजर ने मेन पासवर्ड है टेलनेट सर्वर एफ टी सर्वर और मेल सर्वर सबका इनका यूजर और पासवर्ड को सेम रखना है ओके द यूजर नेम मैन पासवर्ड मस्ट बी सेम फॉर दिस लेट्स गो टू द कंप्यूटर सेंट पी आप जितनी मर्जी उतने कंप्यूटर सर्ट पी ले सकते हो बस शर्त यह है यू हैव टू कनेक्ट वन पी सी विथ एनी स्विच किसी भी स्विच से सिर्फ आप एक ही पीसी कनेक्ट कर सकते हो सर्वर कनेक्ट कर सकते हो कितने भी जो जैसे पॉइंटेड है लेकिन पीसी एक ही कनेक्ट कर सकते हो सो यू हैव टू कन्फिगर द लैब अकॉर्डिंग टू दिस नाउ रीड दिस क्वेश्चन पेपर केयरफुली ओके पूरे क्वेश्चन पेपर को अच्छे से ढंग से देखो समझो रीड करो और उसके अनुसार आप क्या करो डाइग्राम बनाओ एंड देन यू कैन डू द लैब होप यू गाइज कैन सोल्व दिस पेपर आई एम वेटिंग फॉर द आंसर यू कैन ई मेल मी ओके आप मुझे मेल कर सकते हो मेरी मेल आई डी आपको पता है नहीं पता हो तो आप कमेंट में डालना मैं डाल दूंगा वहाँ पर ठीक है सो थैंक यू थैंक यू फॉर वॉचिंग